नमस्कार, जय श्री श्याम। गीता स्टिप्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों से पूछती हूं कि आप लोगों ने लॉकडाउन में क्या किया। सबने, महिलाओं ने तो पक्का किचन का काम, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब किया होगा, जिनके घर में भी परमानेंट मेड सर्वेंट नहीं है। लेकिन जिनके हैं उनको तो बड़ी खुशी हो रही है, चलो हम लोगों ने परमानेंट रखा है तो हम लोगों को इतना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन मेड सर्वेंट से सब परेशान हो के सब अपने अपने घरों में व्यस्त हो रखे भी। लेकिन इस व्यस्त जीवन में व्यस्त होने के बावजूद भी क्या आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा किया है? जैसे कि मैंने किया है, मैंने बहुत कुछ किया है लॉकडाउन में। घर का काम भी किया है, खाना भी बनाया है, झाड़ू पोछा भी किया है, बर्तन भी मांजे, कपड़े भी धोए हैं, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी मैंने अपने हाथों से बहुत कुछ हैंडमेड आइटम बनाए हैं। जैसे कि मैंने बंदरवाल बनाई है, बाबा के लिए माला बनाई है, और मोतियों की लड़ी बनाई है। मैं सब आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने लॉकडाउन में क्या क्या बनाया है। मैं तो लॉकडाउन में देखिए बहुत अच्छा अपने समय का यूटिलाइज कर रही हूँ, भजन भी सुनते जा रही हूँ। साथ में ये मेरे पूरे मटेरियल पड़े हैं मेरे पास बंदरवाल के, मैं इसलिए इसके बंदरवाल बना रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऑलरेडी आधी पहले से रेडी की हुई थी। वैसे मैंने पहले दूर में भी देखिए एक बना रखी है, वो मैं बाद में दिखाती हूँ। ये सब देखिए लेस का स्टॉक है मेरा, स्टोन मोती वगैरह सब। मैं अभी पूरा विश्व लॉकडाउन हो रखा है, उसमें मैं अपना समय का सदुपयोग कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा बंदरवाल है जो कि मैं बना रही हूँ। ये अभी इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसा बनता है। ये बंदरवाल अब कम्प्लीट हो गई है, आप इसे गौर से देखें। ये मैंने एक घंटे के अंदर में बनाई है, 4 घंटे में मैंने 3 बंदरवाल बना लिए अभी तक। दूर से दिखाती हूँ, पता नहीं वीडियो में कैसे लग रही है, लेकिन ऐसे फ्रंट से मैं देख रही हूँ तो अच्छी लग रही है। लेकिन चलो कुछ टाइम यूटिलाइज तो हुआ हमारा। आज भी मोतियों की माला बना रही हूँ श्याम बाबा के लिए। कल बंदरवाल बनाई थी और आज मैं इन सुंदर सुंदर मोतियों की माला बनाने वाली हूँ। फिर बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए किस तरह मैंने इसको, इस मोती की लड़ी को बनाया है, 3 लड़ी को जोड़ के इसको मैंने बनाया है। आई होप कि अच्छी लग रही होगी, अब बनने के बाद पता चलेगा ये कैसी लगती है। आज मैं सुंदर स्टोन से इस तरह की माला बना रही हूँ, माला की लड़ी। देख रहे हो आप कितनी सुंदर कलरफुल लग रही है। ये सारे स्टोन जो मेरे पास काफ़ी दिनों से रखे हुए थे उन सबको मैं आज यूज में ले रही हूँ। देखिए स्टोन है सब अलग अलग कलर के, और मैं इस तरीके से माला बना रही हूँ। ये बना ली मैंने मोतियों की लड़ी, देखिए कलरफुल बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। इसको कोई भी यूज़ में आप डेकोरेशन में यूज़ में ले सकते हैं, मंदिर में भी इसको डेकोरेट करने के लिए आप यूज़ में ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लग रही होगी। आज मैंने ये मोरपंख डेकोरेट की है, एक्चुअली ये ऑलरेडी बनी हुई थी, इसमें सिर्फ ये वाला बूटा था। ये स्टोन का जितना काम है ये सब मैंने ही बनाया है। इसमें पास से देखिए, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। ये सब स्टोन का कलेक्शन है मेरा, इन सब स्टोन से ही मैंने बनाया है। मैं लॉकडाउन में अपना समय को बहुत अच्छा यूज़ कर रही हूँ, मैं ये सब कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर का काम नहीं कर रही हूँ, मैं घर का भी काम कर रही हूँ और साथ में हैंडमेड आइटम भी बना रही हूँ। ये मोतियों की लड़ी मैंने बनाई है अपने हाथों से, अभी बहुत ही मल्टी कलर में है और बहुत प्यारी लग रही है देखने से। ये सब मोतियों का कलेक्शन है मेरा, इन्हीं सब मोतियों से मैंने बनाया है। ये कोई भी जगह आप डेकोरेशन करने में काम में ले सकते हैं, मंदिर में भी सजाने में काम में ले सकते हैं इसको।
मैं तो ज़्यादातर ये सब मंदिर को डेकोरेट करने में ही काम में लेती हूँ। एक ये माला भी बनाई है मैंने लेस और मोती की, आप देख सकते हो। सिंपल सिंपल है सब, जैसे घर में मटेरियल है उसी मटेरियल से मैं बना रही हूँ। बहुत तड़क भड़क वाला बात नहीं है, लेकिन बनी हुई प्यारी लग रही है। अभी आज मैंने देखे ये इतनी सारी लड़ियाँ बनाई हैं, ये कलरफुल मोती है, इनसे ही ये मोतियों से ये लड़ियाँ बनाई है मैंने। ये भी मंदिर को डेकोरेट करने के लिए है। ये ऐसी लड़ी मैंने पहले भी एक बनाई है, आज ये दूसरे डिज़ाइन के मोती है। इसमें क्लियर देखिए अब क्लियर समझ में आ रहे हैं। ये अभी एक इनकम्प्लीट है, ये मेरे हाथों में है, अभी मैं बना रही हूँ। ये बहुत प्यारी लग रही है देखने में, और मंदिर में या कोई भी चीज़ में यदि डेकोरेट करो तो बहुत सुंदर लगेगी ये मोतियों की लड़ी जो है। आज मेरा टारगेट ये मोती बने हैं और इनसे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। ये स्टोन का पेंडेंट है मेरे पास, इसकी मैं मोतियों की बुआई कर रही हूँ। ये भी पूरा बन जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए पेंडेंट इतना बड़ा है और ये कलरफुल मोती से इसकी बुआई हो रही है, और जब ये बाबा के गले में सजेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। जस्ट कंप्लीट दिस माला, लेट्स सी, ग्रीन एंड मल्टी कलर। आई जस्ट कंप्लीट दिस माला नाउ। अभी दो स्टोन के बूटे हैं मेरे पास, अब इसकी मैं माला बनाने जा रही हूँ। आई डोंट नो, अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया किसका कैसा बनेगा। ये तो स्टोन के जो है, अब बनेगा तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसा बनता है। आई जस्ट कंप्लीट दिस माला नाउ। मैं रात को 10 बजे बैठी थी और अभी आधी रात के 4:45 बज रहे हैं, जो कि सुबह होने वाली है। बस मन लग रहा था करने में। ये देखिए माला मैंने अभी कंप्लीट की है और इस वक्त 4:45 बज रहे हैं। मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं इस काम को छोड़ के दूसरे काम में लगूँ या सोने के लिए जाऊँ। आई होप, क्या पता आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन बस मेरे बाबा को अच्छा लगना चाहिए। ये देखिए माला मैंने बनाई है, उसी बुटीक की है। आज मैंने ये बनाया है भगवान के पीछे में, शीश के पीछे में, फ़ोटो के पीछे में, ये वाला सजावट करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए मैंने बनाया है। दूर से देखिए कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। आज मैंने ये मोरछड़ी डेकोरेट की है, पहली बार ही डेकोरेट की है। बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है लेकिन ठीक है, काम चलाओ एक बार। थोड़ा सा जो सामान था घर में उस हिसाब से बना लिया है मैंने। यदि सामान रहता तो शायद ये और ज़्यादा सुंदर बन सकती थी। ये मोरपंख मैंने डेकोरेट किया है, इसकी बनावट बेस इसका बाज़ार में मिलता है, थोड़ा बहुत हल्का सा खाली इस तरह की बूटी लगावाता है, बाकी का डेकोरेशन मैं खुद घर में कर लेती हूँ। और ये अभी मैंने लड़ियाँ बनाई है मोती की, इसका बाद में देखूँगी इसका मुझे क्या डिसाइड करना है, बंदूराल बनाऊँगी या ऐसे इससे डेकोरेट करूँगी मंदिर को। तो आज मैंने ये सारा काम किया है। ये माला, ये लड़ियाँ मैंने कल बनाई थी, आज मैंने मोरछड़ी बनाई और मोरपंख बनाई है। ये वाली बंदूराल बनाई है मैंने, ये थोड़ी सिंपल है, बस मटेरियल जैसा था, जितना सामान था उसी हिसाब से मैंने बनाया है। ये दूसरी बनाई है, ये भी जो जो सामान घर में अवेलेबल था उसी हिसाब से मैंने बनाया है, जैसे भी बनी मुझे नहीं पता। ये वाली भी बनाई है मैंने। फिलहाल मैंने ये तीन बंदरवाल बनाई है और चौथी बंदरवाल अभी बन रही है, कंप्लीट नहीं हुई अभी, ये भी बन रही है।
तो मैं लॉकडाउन में ये सब अभी कर रही हूँ, सारे दिन घर का काम और रात भर भगवान जी का काम। ये एक माला बनाई है मैंने, वीडियो में पता नहीं कैसी लग रही है लेकिन सामने से ऐसे ठीक लग रही है। एक ये भी मैंने मोती की पोए की लड़ी बनाई है, जब मैं बाबा को पहनाऊंगी ना तब आप लोग को समझ में आएगा। चलिए मैंने जो पहले बनाया उसके वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ बाबा की। ये जो माला आप देख रहे हो ना, बाबा ने जो पहन रखी है, ये वाली और ये वाली, ये मैंने स्टोन से माला बनाई थी और वो मोतियों से मैंने माला बनाई थी बाबा की। तो इस तरीके से मैं बाबा की सजावट करती हूँ, ऊपर से नीचे तक बाबा को पूरी माला पहनाती हूँ। ये बंदर वाला कंप्लीट हो गई है, अभी जो मैंने दिखाया था ना वो अभी कंप्लीट हो गई, मैंने ऐसे बनाई है कोके फंदे। और ये सब ये नहीं कि सिर्फ ये बंदर वाली बन रही है या माला वगैरह जो मैं बना रही हूँ, तो इसके साथ साथ बाबा के भजन भी चलते रहते हैं, पाठ भी चलते रहते मेरे। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी समय को इसी तरह यूटिलाइज़ किया करिए कि जब कुछ बनाते हो उस वक्त भी भगवान के भजन कीर्तन कुछ लगा दिया करिए, हेडफोन लगा के चाहे आप मोबाइल में भी सुन सकते भजन। और इस तरीके से आप भगवान की चीज़ें भी बना सकते हैं या घर की डेकोरेशन चीज़ें भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं बोलूँगी ये जो मैंने बंदरवाल उस टाइम इनकम्प्लीट दिखाई थी अभी कम्प्लीट हो चुकी है। देखिए एक्चुअली मोबाइल में इतना उभर कर नहीं आ रहा है जितना सामने से ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आज मैंने ये वाली बंदरवाल बनाई है, ये बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है वाली बंदरवाल। मैंने आप लोगों को दिखाया ना ये मोती की लड़ी बनाई थी, उसी से मैंने इसकी ये बंदरवाल बनाई है। अभी मेरा जितना सामान था सब यूज़ में आ रहा है, इतने सालों से पड़ा हुआ था, टाइम नहीं मिलता था, बिजनेस में बिजी रहती थी, अभी खाली हूँ बोल के मेरा एकदम हर एक चीज़ यूज़ में आ रहा है। अभी तक तो सिर्फ ये सब कुछ बनाए हुए, तो बहुत कुछ बनाना बाकी। ये बूटी है, ये लेस है, इसका भी मुझे बंदरवाल या फिर माला भगवान जी के लिए बनानी है। ये मोतियों की लड़ी है, इसकी भी मेरे को बाबा का माला बनाना है। बहुत सारा है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। और आप लोग ये मत सोचना कि मैं रेडीमेड लाके और ख़ुद का नाम कर रही हूँ मैं। ये देखो ये सारा मटेरियल, ये मोती मेरे पास अभी भी रखी है, इसके बचे हुए मोती है, ये बूटी है जो मैंने यहाँ पे लगाई है, और ये भी है। क्योंकि मेरी शक्ल देख के लोगों को लगता नहीं कि मुझे कुछ काम आता है, इसलिए मैं सबूत के साथ बता रही हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी सारा मटेरियल है और मैं उसी से बना रही हूँ। क्योंकि आज तक लोगों को ये लगता है कि मुझे कुछ काम नहीं आता होगा, लेकिन बाबा की कृपा है कि मुझे बहुत तरह के साथ सब काम आते हैं मुझे। अब आप लोग देख सकते हो मैं ये दूसरी बंदरवाल बनाने जा रही हूँ, दूसरी मतलब ऐसे तो काफ़ी बना ली, ये इनकम्प्लीट है। अब मैं इन सबको ये बूटा से और इससे देखती हूँ कैसे डिज़ाइन बनती है, वैसे मैं बना के फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये एक और बंदरवाल मैंने बनाई है, इस इसका ना उभार अभी इसमें वीडियो में नहीं दिख रहा, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है लगा हुआ, देख सकते हो आप दूर से देखिए। आज 15 तारीख है, आज 15 तारीख में मैंने दो दो बंदरवाल बनाई है, एक ये बनाई है और एक जैसे ये वाली मैंने आप लोग को अभी दिखाई थी ये वाली बनाई है। और मैं रात को ही बनाती हूँ, रात को बहुत पीसफुली ये सब चीज़ बनाई जाती है। तो देखा दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरा हैंडमेड आइटम बंदरवाल माला वगैरह सब कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी
हाथ की कारीगरी भी अच्छी लगी होगी। यदि प्लीज आप लोगों को मेरा ये अच्छा लगा तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों को कैसा लगा। चलिए इसी के साथ जय श्री कृष्णा, अलविदा।